किसी और किस्म की विश होती है कि वो चाहते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस हो हमारे परफॉर्मेंस की, जो कि सर्वाधिक बेहतरीन है, क्योंकि एवरेज बहुत अच्छा है। इसलिए किसी शायर ने कहा था कि ज़िंदगी में एतदाद ज़रूरी है, ज़िंदगी इंतहा पसंद है, क्योंकि इंतहा पसंदी में हाई हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, तो हाई हर वक्त नहीं रह सकता, हाई जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो अगला पॉइंट हम किस टाइप में देते हैं, इसके अंदर जो टाइप्स हैं परफॉर्मेंस की, जो सर ने कहा था कि तमाम टाइप्स को पहले एक्सप्लेन करना है, उसके बाद फिर बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है या बेस्ट बेहतर क्या है इंटरनेशनल किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस एप्रेजल के अंदर रैंकिंग है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अक्सर देखते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज को देखा जाता है, कोई डब्ल्यू रैंक यूनिवर्सिटी होती है, किस यूनिवर्सिटी का क्या रैंक होता है, अब ये पता कि जे एस एम क्यू क्या रैंक, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक रैंक होता है। तो इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रैंक वाइज भी ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करके पूरा प्रोसेस करने के बाद उसको रैंक वाइज रिपोर्ट किया जाता है। ग्रेडिंग में ले आते हैं, ग्राफिकल स्केल्स में कभी कभी उसको शो ऑफ करते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट्स होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर तनकीद ही होता है, तो वो उस तनकीद के ऊपर जाकर ऑब्जर्व करके उसको आगे ले जाते हैं। बिहेवियरल है, उसके बाद बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल्स है, ऐसे डिस्क्रिप्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या होता है, कोई बाहर एक्सपर्ट आता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, जज करता है, और तमाम जजमेंट के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करके जाता है, उसको छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसको हम ऐसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो एक बेहतरीन पॉइंट आ गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि ये मॉडर्न साइंस में भी इसको शामिल किया गया है। ऊपर जितने पॉइंट हैं कुछ उसमें ट्रेडिशनल भी हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मॉडर्न साइंस में शामिल है, लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लीड करने के लिए या अपने टास्क को अचीव करने के लिए। उसके बाद आता है असेसमेंट सेंटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसको कैसे किया जाता है, नेचर ऑफ वर्क भी सेम होता है, इन्वायरमेंट भी सेम होता है, तो अक्सर ये ग्रुप में यहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है, नेचर ऑफ वर्क तो सेम है, अब देखा ये जाता है कि इस नेचर ऑफ वर्क में कौन ज़्यादा सर्वाइवल है, कौन ज़्यादा आगे जाता है, कौन ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, तो इसको सेंट्रल असेसमेंट या असेसमेंट सेंटर भी कहा जाता है। इसका नेचर ऑफ वर्क एक ही होता है, जैसे कि आपका बैंक में ऑपरेशन मैनेजर जितने मैनेजर हैं उन सबको बुला लिया जाएगा, किसी की एक जगह उनके बैंक असेसमेंट कर दी जाएगी या उसको कोई टेस्ट दे दिया जाएगा, तो पेपर देते जाएगा, तो उसके अंदर कौन ज़्यादा लीड कर जाता है, लेजर ओवर भी सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, सब कुछ सेम, तो ये असेसमेंट सेंटर उसको कहा जाता है, ये भी एक बेहतरीन प्रोसेस है। उसके बाद वर्क प्लेस सर्वा प्लेस होता है, वर्क प्लेस ड्यूरिंग द वर्क आप जब काम कर रहे होते हैं उस वक्त आपको जज किया जाता है, चाहे सीसीटीवी कैमरा से किया जाए, चाहे वो आपके पीछे लोगों को लगाया जाए, चाहे इंटेलिजेंस के जरिए किया जाए, चाहे फोर्सेज के अंदर क्या होता है कि फोर्सेज एक और एक इंटेलिजेंस के पीछे एक और इंटेलिजेंस काम कर रही होती है, उसके पीछे कौन कर रही होती है, तो वो तमाम की रिपोर्ट जब जाती है फिर जाकर उसको कहा जाता है। तो ये वो टाइप्स हैं जो दुनिया भर में ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी दोनों में यूज की जाती है, इसके मेरिट को और एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकती, मगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर की जो भी हैं इसको बकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट करती है। इसके अंदर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जब तक ऑब्जेक्टिव टास्क गोल्स के ऊपर उस एस्पेक्ट पर आप बात नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो लिहाजा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सामने रख के जब हम किसी पर्सन की या किसी भी वर्कर्स की बाकायदा जाँच पड़ताल कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने किसी की जात के ऊपर थोड़ी कहना है, हमने किसी जात की थोड़ी बात करनी है, हम उस टास्क के ऊपर बैठ सकते हैं, ये मतलब उस टास्क को अचीव करने का क्या रहेगा नहीं, ना उसमें पर्ची सिस्टम हो सकता है, किसी और सिस्टम हो सकता है, हमने जो देखना उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी स्लाइड क्या है, उस स्लाइड को देखते हुए हम टास्क के साथ पेश करते हैं, नहीं मतलब हमारे टास्क को अचीव कर सकते नहीं करते, तो उस बेस पर हम उसको जाना बहुत अहमियत दी गई है दुनिया भर में। तो दूसरा है साइकोलॉजिकल अप्रेजल, साइकोलॉजिकल अप्रेजल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बंदे की मेंटल अप्रोच कुछ है, दूसरे की कुछ है, अब एक क्वालिफिकेशन सेम है, डिग्री भी एक जैसी है, लेकिन मेंटल अप्रोच में फर्क है, जैसे सरदारी साहब और नवाज शरीफ के मेंटल अप्रोच में फर्क, जब मेंटल अप्रोच में फर्क होगा तो फिर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जब भी इंटरव्यू लिया जाता है, जब भी HRM के अंदर सिलेक्शन हो रही होती है, तो उस सब इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि राइट जॉब फॉर राइट पर्सन, न सिर्फ उस चीज में देखा जाता है बल्कि उसको मेंटल अप्रोच को जज किया जाता है। आजकल माहिर नफ्सियात भी इंटरव्यू के दौरान बैठते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था,
360 के अंदर सप्लायर भी शामिल है, कस्टमर भी शामिल है।